देखेंगे कक्षा 9 में विषय विज्ञान का गृह कार्य हमारे आसपास के पदार्थ। ये 16 तारीख का गृह कार्य है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, क्या पदार्थ की अवस्था बदल सकती है? हाँ, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न बिंदुओं को परिभाषित करें। पहला है गलनांक, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाते हैं वह उसका गलनांक कहलाता है। कथनांक, क्वथांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। तीसरा है ऊर्ध्वपातन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आपने कपूर की गोली देखी होगी, वह पिघलती नहीं है, वह सीधे उड़ जाती है हवा में। चौथा है वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को ताप और दाब प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाष्पीकरण को कौन कौन सी स्थितियां प्रभावित करती हैं? वाष्पीकरण को निम्न स्थिति प्रभावित करती है। पहले है सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। प्रश्न नंबर 5 है, जल की तीनों अवस्थाओं ठोस द्रव और गैस को चित्र बनाकर स्पष्ट करें। जल का ठोस अवस्था बर्फ है और द्रव का ठोस अवस्था द्रव अवस्था जल है और गैस अवस्था जल वाष्प है। अब इसका हम चित्र देखते हैं। इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था जिसमें बर्फ है, जल अवस्था जिसमें द्रव है और गैस अवस्था जिसमें वाष्प है। इसी प्रकार हमारा ये आज का कक्षा 9 का विषय विज्ञान का गृह कार्य समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार आगे भी पढ़ते रहें।